हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोयम नंबर फोर ऑफ आर क्लास नाइन्थ फ्रॉम बुक बिहाइव दिस पोयम नेम इज लेक आइल ऑफ इंस इट इज़ रिटन बाय मिस्टर विलियम बटलर ईस्ट अब ये जो पोएट है ना ये क्या डिस्क्राइब करते हैं अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कुछ लाइफ के बचपन वाले पार्ट में ये रहे हैं फ्री में जो कि बहुत एक पीसफुल जगह है और नेचर से रिलेट करती है ऑन द अदर हैंड जब ये बड़े हुए तो इन्हें सिटी में शिफ्ट होना पड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थी तो इन्हें बहुत अजीब लगता था पहले शांति में रहे अब ये कहाँ रहते थे सिटी में रहते थे तो कहीं ना कहीं इनके मन में ना ये चलता था कि काश ये वापस जा सकते अपनी जगह सो लेट स्टार्ट द पोएम जो पोएट है वो अपनी लाइफ दो जगह बिताते हैं एक डुबलिन में और एक लंडन में जब ये इन दो जगह अपनी लाइफ बिताते हैं ना तो इन्हें कंपैरिजन पता चलता है मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइफ का इन्होंने यही बताया है बट एज अ यंग बॉय जैसे कि मैंने बताया ये जब बच्चे थे तो कहाँ रहते थे ये आइल ऑफ इंसफ्री जो कि कहा है नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में एक जगह है वहां पे रहा करते थे और वो नेचर के काफी ज्यादा पास है मतलब वहा नेचर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं फिर उसके बाद वो कहाँ रहने लगे क्राउडेड सिटी में जैसे कि हम लोग रहते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहां वो रहने लगे अब फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करते हैं कि भाई मुझे ना इंसरी वापस जाना है मुझे नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड दोबारा जाना है ताकि मैं अपनी जिंदगी वहां पे दोबारा जी सकूं मुझे इस शोर शोर से हर जगह से दूर रहना है मैं अपनी लाइफ बहुत क्या चाहता हूँ सिंपल चाहता हूँ और नेचर के पास चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर सकू वो कहते हैं वहां जाके मैं एक क्ले कॉटेज बनाना चाहता हूं। मतलब मिट्टी का घर बनाना चाहता हूँ मुझे सिटी में नहीं रहना मुझे कहाँ रहना है इन्स फ्री में रहना है और वहां जाके मैं क्या बनाऊंगा मिट्टी का घर बनाऊंगा मिट्टी का घर वहां पे बनाऊंगा उसे पत्तियों से सजाऊंगा बहुत सुंदर तरीके से वो कहते हैं वहां पे मैं खेती बाड़ी करके अपना खाना पीने का काम भी चलाऊंगा और साथ ही साथ मैं मधुमक्खियों का छत्ता वहां पे बनेगा तो वहां से मैं रस निकाल के भी पी सकूंगा और वहां पे जो उसका साउंड है नेचर के हर एक साउंड को मैं क्या कर पाऊंगा इंजॉय कर पाऊंगा फिर पोएट क्या कहते हैं वो ये बताते हैं कि जो लाइफ थी ना इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी वहां की रात सोने के बाद बहुत अच्छी और शांत लगती थी और सुबह उठने पर जो दिन था ऐसा लगता था हमने कितनी पीसफुल लाइफ जी है ऐसा लगता था पूरा नेचर हमारे साथ है वहां सुबह मॉर्निंग में वो कामनेस को ब्रीथ करता है कामनेस कामनेस इज शांति बिल्कुल प्योरिटी को वो एंजॉय करते थे उस टाइम वो कहते हैं रात को पर्पल कलर की जो लाइट्स हैं जो मून की लाइट है जो स्टार्स की लाइट है या जो नून दोपहर में जो सन की लाइट है जब वो किस पे पड़ती है स्नो के ऊपर पड़ती है तो स्नो शाइन करती है दिन में और शाम को हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है ये सब क्या है नेचर की मैजिकल क्वालिटीज है क्या है नेचर की ये मैजिकल क्वालिटीज जो कि उसे बहुत मैग्निफिसेंट दैट मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेचर किसी भी चीज से हम बहुत ज्यादा बहुत कोई चीज जब जब हमें अच्छी लगती है ना उसे हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट तो पोएट कहते हैं वही चीज उसे वो लगती है फिर लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या डिस्क्राइब करता है वो ये कहता है कि मैं वापस इंसफ्री जाना चाहता हूँ मैं लहरों में जो लहरें बहती हैं नदी के पास मैं उनको सुनना चाहता हूँ वो लहरें जब स्टोन से पत्थर से आके टकराएंगी उस स्टोन की उस लहर की आवाज मैं सुनना चाहता हूँ Poet अपनी लाइफ कंपेयर करता है सिटी से वो कहता है जब मैं पेवमेंट पे खड़ा होता हूँ पेवमेंट क्या कहते हैं इसे ये जो पोर्शन होता है ना जिसपे हम लोग चलते हैं जब वो पेवमेंट पे खड़ा होता है ना तो वो ये कहता है मुझे वही नेचर की याद आती है मुझे वही लाइफ एंजॉय करने का मन करता है मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं नेचर से दूर जाऊं मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सिटी की लाइफ को क्या कर सकूँ दूर कर सकूँ ये जो इसकी सिटी की लाइफ है ना वो इससे खुश रह सकू हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी कर कर आई होप यू हैव लाइक द पोएम अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ताकि वो भी ये चैप्टर समझ सकें थैंक यू सो मच